What does perfect even mean? सब्सक्राइब कीजिए द गो राइडर्स चैनल को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह, आप सबका वेलकम मेरे चैनल गो राइडर्स में। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग ना ही ट्रैवल ब्लॉग है, ना ही मोटर ब्लॉग है, ना ही कोई रिव्यू है। एक्चुअली मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने बारे में। जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर आने वाले हैं, जो देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, इस ब्लॉग को, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पेशा मेरा अदाकारी है, अभिनय करना। बट जो भी नए मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि आई एम एक्टर। आपने मुझे शायद, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही है, बट जो नए लोग जुड़ने वाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे देखा ही होगा। जैसे कि मैंने क्राइम पेट्रोल में किया है एज अ कॉप, सावधानी किया मैं कैरेक्टर किया, मैंने एक फिल्म हिंदी फिल्म भी की थी जिसमें जिसका नाम यंगिस्तान था। सो मेरे भी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। बट मैं अपने ब्लॉगिंग करियर के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता था, इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। मेरी लाइफ में दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत 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 ज़्यादा इंस्पायर किया है। मैं उनका नाम आपको बताऊंगा बाद में, पहले चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जब मैंने सोचा था ब्लॉगिंग करने का, आज से ठीक 3-4 साल पहले, 2-3 बार ट्राई भी किया मैंने। लास्ट ईयर मैं राइड कर रहा था, कर्नाटका राइड कर रहा था, सोलो राइड कर रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं सर्च करता हूँ कि कैसे क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए हमें अगर सोलो राइड कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए बाइक के साथ। सो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो मुझे सबसे टॉप पे एक वीडियो मिला। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ों के बारे में डिटेल समझाया था। वो व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण रहा मेरे लिए। और दूसरा बंदा जो है, जिनका नाम मैं बताऊंगा, उनकी व्लॉगिंग स्टाइल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया कि भाई उनकी तरह मैं कुछ करूँ। ये दो बंदे ना व्लॉगिंग में डिजर्व करते हैं, मतलब दिली ख्वाहिश है मेरी कि मैं उनसे मिलूं। और उन दो बंदों का नाम है, फर्स्ट मिस्टर मुंबईकर निखिल, और सेकंड मोहम्मद सलीम खान, एमएसके व्लॉग्स। गाइस, आप सबको शशांक का सैल्यूट है। क्या करते हो यार आप लोग, मतलब क्या एनर्जी लेके आते हो, कहां से इतनी एनर्जी लेके आते हो मुझे समझ में नहीं आती। मैंने आपके हर ब्लॉग्स देखता हूं, मतलब दोनों अलग ही एनर्जी लेवल पर काम करते हैं। इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो मैं आप दोनों से जरूर मिलना चाहूंगा। एंड आई विश कि आप भी मेरे इस ब्लॉग को शायद देख रहे हो। सो मैं आप सबसे बस गाइडलाइन चाहिए मुझे, अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे दो, क्योंकि मैं मुझे जितनी चीज़ें समझ में आती हैं, एडिटिंग भी मैंने यूट्यूब से सीखी, और जो भी कर पाता हूँ थोड़ी सी आप लोगों की मेहरबानी की वजह से, आप लोगों के ब्लॉग्स देखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक के बीच में जाकर ब्लॉगिंग कर लूँ ऐसे। हाँ, 100% नहीं, पर आप लोगों को देख करके 20-25% मैंने सीख लिया है, अभी तो 100% कंप्लीट करना है। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था, निखिल भाई और सलीम भाई, कि जब मैं व्लॉगिंग का सोचता था कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग करके डालूंगा, तो मुझे दिमाग में ये चीज़ें आती थी पहले कि यार मैं व्लॉगिंग करूँगा, यूट्यूब पे डालूंगा, मेरे फ्रेंड्स, फर्स्ट मेरी फैमिली क्या कहेगी, मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी कि यार ये बंदा क्या है, वहाँ एक्टिंग करने है, एक्टर बनने है, और ये अपना मेन काम छोड़ के ये व्लॉगिंग की तरफ व्लॉग्स कर रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो वो भी चीज़ एक दिमाग में चलता था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाता था। ब्लॉग करता भी था तो मैं यूट्यूब पर नहीं डालता था, शेयर नहीं करता था। बट एक दिन आया हुआ जब आप लोगों के ब्लॉग्स देखने के बाद मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए चीज़, और मैं लाइफ में सब कुछ करना चाहता हूँ, एवरीथिंग। लाइफ में जितनी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और मुझे करना बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कहते हैं कि अगर ऊपर भगवान खुदा के पास जाऊं तो कम से कम
इस चीज का मलाल तो ना हो कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ऊपर जाऊं तो गर्व से बोल सकूं मैंने सब किया, मैंने सोच लिया या ब्लॉगिंग करनी है, चाहे जो हो जाए, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एक गांव में हमारी कहावत है कि जिस पे दुनिया हंसती है उसी का घर बसता है, और आप दोनों भाइयों का व्लॉग इतना सहारा, इतनी चीजें मुझे सिखाने में मदद किया ना कि यार गाइस आप दोनों को फिर से सैल्यूट है। चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने मैं मोटर व्लॉग के लिए, ट्रैवल व्लॉग्स के लिए क्या क्या चीजें यूज करता हूँ। चलिए लेट्स चेक आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल iPhone 6s 128GB, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ ये है मेरा GoPro Hero 6, इस पर मैं एडिट करता हूँ, Lenovo का है, MI A1, इससे फोटो शूट करता हूँ। ये रहा मेरा पावर बैंक एम्बरेंस, जो कि अच्छा खासा मुझे जब हेलमेट पे GoPro माउंट करता हूँ तो इसके साथ मैं इंसर्ट करके USB और मेरा GoPro कंटिन्यू चार्ज होता रहता है, मतलब मुझे ये 8-9 घंटे का बैकअप दे देता है अच्छा खासा। ये रहा लाइट डिजिटेक का, ये एक दूसरा एक्शन कैमरा है जो कि प्रोकस कंपनी का है, प्रोकस। एंड ये ज़ून का गिम्बल, ज़ून स्मूथ 4, इसको मैं वीडियोस टाइमलैप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। और एक ये आप पहचान सकते हो इसको, DJI Spark, अभी मैं नया पायलट बना हूँ तो अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है मुंबई का निखिल भाई और MSK से, मैं बहुत सारे ड्रोन शॉट्स भी सीख रहा हूँ उनके ब्लॉग से। चेस्ट माउंट, दिस इज हेड माउंट, कैनन का 600D, फोटोग्राफी और कभी कभी वीडियोज भी इससे शूट कर लेता हूँ। ये रहा मेरे सेफ्टी के लिए LS2 का हेलमेट, देख सकते हो आप, ये अंदर माइक है जिससे मैं साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। और ये रहा GoPro का एडप्टर जिससे कि मैं चार्ज भी कर सकता हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, यू कैन सी। ये रहा मेरा दूसरा हेलमेट, देख सकते हो हाफ, इसको मैं यूज करता हूँ शॉर्ट राइड के लिए। ये रहा प्रो बाइकर का ग्लव्स, ये दोनों शूज मैं यूज करता हूँ राइड के समय, ये बूट्स और ये एडिडास का शूज, स्पोर्ट्स शूज। ये रहा मेरा LS2 का जैकेट, इसको यूज करता हूँ, राइडिंग जैकेट है ये मेरा। और ये है अल्पाइन स्टार का मेरा नी गार्ड, जो कि काफी अच्छा है, बहुत टफ है। ये मेरा GoPro कैमरा जिस स्टैंड पे लगा हुआ है, ये सेल्फी स्टिक का भी काम करता है, और इसके नीचे मैंने माउंट किया हुआ है गोरिल्ला ट्राइपॉड। क्रॉस बिट का मेरा ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि मैं म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता हूँ। एंड टनन, और ये रही मेरी रॉयल एनफील्ड बाइक की। बाइक जो यूज करता हूँ वो है मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 व्हाइट कलर की, दूसरी महिंद्रा की स्कूटी गस्टो, और तीसरी मेरी कार ऑल्टो 800 CNG। सो गाइस वीडियो के लास्ट में मैं फिर से अपने मुंबई के निखिल भाई और मोहम्मद सलीम खान भाई दोनों को तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ कि आप लोगों के कारण ही आज मैं व्लॉग कर पा रहा हूँ, जो भी कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सिखाया, और आई विश कि कभी ना कभी मैं आप दोनों के साथ मोटो ब्लॉगिंग के लिए कहीं ना कहीं जरूर जाऊं। प्लीज गाइस कंसिडर कीजिएगा मुझे, अगर कहीं भी आपको लगे मेरे लायक कि मैं भी आपके साथ राइड कर सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।